चलो तो ना, चलो अभी चलो थर्सडे की स्पेलिंग राइटिंग करते हैं। टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे। आज थर्सडे है तो इंग्लिश का पीरियड है। करसू स्मॉल अल्फाबेट, आज आपको ए टू जेड राइटिंग करना है, तो चलो अभी राइटिंग करते हैं। आपको पता है ना बच्चों, फोर लाइन होती है, तो आपको कैसे राइटिंग करना पता है ना, फर्स्ट थ्री लाइन में ही राइटिंग करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। चलो तो अभी राइटिंग करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरोट, पी फॉर पैरोट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शीप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर या, जेड फॉर जेबरा। चलो तो रीड करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरोट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शिप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर या, जेड फॉर जेब्रा। ये आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है आपकी कॉपी में। सब्जेक्ट इंग्लिश, अपोजिट वर्ड्स, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में अभी अपोजिट वर्ड्स राइटिंग करना है। चलो अभी हम राइटिंग करते हैं। फर्स्ट अपोजिट वर्ड क्या है? ओ एंड ऑन, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है ऐसे। ऑन का अपोजिट है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ऑन का अपोजिट है ऑफ, ऑन याने शुरू, और उसका अपोजिट वर्ड है ऑफ, ऑफ याने बंद, शुरू बंद, ऑन ऑफ। सेकंड अपोजिट वर्ड थीम, टी एच आर एन थीम, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। थीम का अपोजिट है थिक, टी एच आई सी के थिक, थीम का अपोजिट है थिक, थीम, थीम यानी कि पतला, थिक यानी कि गाढ़ा, थीम थिक। थर्ड है नियर, एन ई ए आर, नियर मल्टीप्लीकेशन का साइन, नियर का अपोजिट है फार, एफ
का अपोजिट है फार, नियर यानी पास, फार यानी दूर, नियर फार, नियर का अपोजिट फार। फोर्थ है अपोजिट वर्ड हेवी, एच ई ए वी वाई, हेवी मल्टीप्लीकेशन का साइन, हेवी का अपोजिट है लाइट, एल आर जी एच टी लाइट, हेवी का अपोजिट है लाइट, हेवी याने वजनदार, लाइट याने हल्का। फिफ्थ है अप, यू पी अप, मल्टीप्लीकेशन का साइन यानी कि अपोजिट डाउन, डी ओ डब्लू एन, यू पी अप, अप का अपोजिट है डाउन, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। सिक्स है क्लीन, सी एल ई ए एन क्लीन, मल्टीप्लीकेशन का साइन डर्टी, क्लीन का अपोजिट डर्टी, डी आर आर टी वाई डर्टी, क्लीन का अपोजिट है डर्टी, क्लीन याने अच्छा, डर्टी याने गंदा। सेवन है इनसाइड, आई एन एस आई डी ई, इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट या क्या मल्टीप्लीकेशन का साइन, इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड, ओ यू पी एस आई डी ई, आउटसाइड, इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर की साइड होती है, आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड होती है, इनसाइड आउटसाइड। एट वाला क्या है ब्लैक, L A C K ब्लैक, मल्टीप्लीकेशन का साइन यानी कि अपोजिट, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, W H I T E व्हाइट, ब्लैक यानी कि काला, व्हाइट यानी कि सफेद, ब्लैक व्हाइट। ओ एन ऑन, ऑन का अपोजिट ओ डबल एफ ऑफ, ऑन ऑफ, टी एच आई एन थिन, थिन का अपोजिट टी एच आर सी के थिक, थिन का अपोजिट थिक, एन ई ए आर नियर, नियर का अपोजिट एफ ए आर फार, नियर फार, H E A V Y heavy, heavy का अपोजिट है L I G H T light, heavy का अपोजिट light, U P up, up का अपोजिट D O W N down, up down, C L E A N clean का अपोजिट D I R T Y dirty, clean dirty, I N S I D E inside, inside का अपोजिट है O U T S I D E outside, inside outside, B L A C K black का अपोजिट है white, W H I T E white। ये आपको इंग्लिश की कॉपी में राइटिंग करना है और लर्न भी करना है। इसका आपको ओरल का भी स्पेलिंग वीडियो बनाना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये है इंग्लिश की कॉपी, इसे आपको सेटिंग करना है, सी डब्ल्यू आज की डेट डालना है, देखो कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड, और आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। नेक्स्ट पेज पे एच डब्ल्यू रेड डालनी है, कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट ए टू जेड, यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है और प्रॉपर लिखना है। नेक्स्ट पेज पे एच डब्ल्यू रेड डालना है, कर्सिव
स्मॉल अल्फ़ाबेट ए टू जेड, और आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। ये देखो नेक्स्ट पेज पे सी डब्ल्यू डेटल ने अपोजिट वर्ड ऐसे हेडिंग डाला है, और टीचर ने आपको पढ़ाया है ना वैसे ही आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपके हाथ से राइटिंग करना है, पेज टर्न करना है, एच डब्ल्यू डेटल ने आज की, और यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, और यहाँ पे नीट एंड क्लीन प्रॉपर राइटिंग करना है बिल्कुल। तो आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। थैंक यू।